हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अप्लाई प्रोसेस दिखाने वाला हूं। गाइस एसएससी की तरफ से फाइनली है मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एंड हवलदार सीबीआईसीएन सीबीएन का एग्जामिनेशन 2024 का फाइनली है, रिक्रूटमेंट आ चुका है। अप्लाई स्टार्ट के बाद 27 जून से लेकर 31 जुलाई 2024 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। तो गाइस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। गाइस और उसका साथ साथ अभी कंबाइन ग्रेजुएट 2024 का भी अप्लाई चल रहा है, अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कंबाइन ग्रेजुएट सीजीएल का, आप जरूर वीडियो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल में भी देखने को मिलेगा। तो गाइस एसएससी का कैसे, पहले आप लोगों को न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया आप लोगों को ssc.gov.in में। तो एसएससी अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाए तो कैसे आप लोगों को, पहले आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएट कर लेना, अकाउंट बना लेना, कैसे बनाना है उसका प्रोसेस भी मैंने अलग से मैंने वीडियो बनाया है। वो कंप्लीट करने के बाद आपका प्रोफाइल लॉगिन कर लेना। गैस लॉगिन करते गैस इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल 2024 का है। तो फाइनली अप्लाई करने के लिए गैस, तो अप्लाई करने से पहले गैस चैनल अभी तक सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर कर लेना। तो पहले सिंपली से आपको यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई बटन पर क्लिक कर लेना। गैस जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करते गैस इस तरह का आप लोगों को फिर से इंटरफेस थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना। गैस वीडियो बने रहना, गैस अगर स्किप करोगे तो कैसे आप लोग को फिलअप करने आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को ज्ञान से देखना गाइस, ये वीडियो देने के बाद आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से, और दूसरा सर्वर जाने की भी कोई जरूरत भी नहीं लगेगा। तो उसका बाद इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कैसे फिलअप करना है, क्या क्या होता है, इसमें आप लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वगैरह आपको कितना साइज है 10 to 20 GB यहाँ पर आपको सब कुछ देने को मिलेगा। तो यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश में देने को मिलेगा। तो सिंपली से आप लोग को फिल फॉर्म बटन पर आपको डायरेक्ट कंटिन्यू क्लिक कर लेना। गाइस जैसे फिल फॉर्म बटन पर क्लिक करते गैस इस तरह का आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो गैस देख सकते हो फिल फॉर्म करने के लिए यहाँ पर आप लोग को जब अपने रजिस्ट्रेशन टाइम है, आप लोग का डिटेल वगैरह यहाँ पर आप लोग को सब कुछ आ जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप लोग को पूरा यहाँ पर आप लोग को फिर से चेक कर लेना। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा हिसाब से इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग को डायरेक्ट नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना। गैस जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते सेफ हो जाएगा, तो आप लोग को ये आप लोग को क्लोज कर लेना। गैस क्लोज करने के बाद गैस अभी क्वालिफिकेशन का डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को पहले चीज आपको क्वालिफिकेशन है हाईस एजुकेशन और क्वालिफिकेशन, मतलब आपका हाईस क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी आपका हाईस क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। गैस तो चलो गैस मेरा हाईस क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मल्टी टास्किंग स्टाफ के क्लास 10 पास होना जरूरी है, तो आप लोग को क्लास 10 देने को मिलेगा। तो आप लोग को आपका पास डिटेल आपका बोर्ड का डिटेल यहाँ पर आप लोग को सब कुछ आ जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर कुछ भी लेने की करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली से आप लोग को क्या करना है, क्लास 10 का आपका परसेंटेज कितना है यहाँ परसेंटेज डाल देना। अगर आपके पास क्लास 10 का सीजीपीए सिस्टम है तो यहाँ पर सीजीपीए आपको डाल देना। तो चलो गैस मेरा परसेंटेज फटाक से डालता हूँ। सो गैस देख सकते हो फाइनली मेरा परसेंटेज मैंने डाल दिया, मैंने ब्लर करके रखा है। उसके बाद सिंपली से सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना। गैस जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते सक्सेस हो जाएगा, ओके बटन पर क्लिक कर लेना। गैस जैसे ओके बटन पर क्लिक करते गैस इस तरह का आप लोग को थोड़ा लॉगिन लेंगे, फिर से आप लोग को इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। ज्ञान से वीडियो देख लेना। यहाँ पर देखते एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो वीदर यू आर एन एक्स सर्विस, अगर आप एक्स सर्विस में तो यस और नो कर सकते हो। तो चलो गैस मैंने नो कर लिया। उसके बाद गैस यहाँ पर देख सकते हो वीदर सीकिंग एज रिलेक्शन, अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो यस कर लेना, अदरवाइज नो कर लेना। तो चलो गैस मुझे एज रिलेक्शन नहीं चाहिए, मैंने नो कर लिया। उसके बाद डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो यहाँ पर जॉब पर अगर आपका डिटेल वगैरह है, अगर बाद में एडिट करना चाहते हो करेक्शन करना चाहते हो तो यस और नो कर सकते हो। तो चलो गैस मैं एडिट वगैरह करना नहीं चाहता हूँ इसलिए मैंने नो कर लिया। उसके बाद सिंपली से सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना। गैस जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक तो ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना, सेफ हो जाएगा। जैसे ओके बटन पर क्लिक करते गैस इस तरफ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आ जाएगा, प्रीफरेंस देने को मिलेगा। प्रीफरेंस पहले आप लोगों को क्या प्रीफरेंस आप देना चाहते हो गाइस, मतलब यहाँ पर एग्जाम सेंटर प्रीफरेंस देना। गाइस इंडिया में जितना एग्जाम सेंटर लीज है यहाँ पर आप लोग को सारी लीज आ जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग को वन बाय वन करके जहाँ पे आप इंडिया में एग्जाम सेंटर जहाँ पे आप लेना चाहते हो गाइस यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। गाइस तो चलो गाइस मैं एक्चुअली असम में बिलोंग करता हूँ गाइस, तो चलो गाइस मेरा है सिलचर में, प्रीफरेंस 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। प्रीफरेंस 2 की बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर प्रीफरेंस 2 है, तो चलो गाइस मैं गुवाहाटी में सेलेक्ट कर देता। उसके बाद प्रीफरेंस 3 की बात करेगा तो गाइस मैंने प्रीफरेंस अगरतला, उसके बाद मेरा प्रीफरेंस है सिलचर गुवाहाटी अगरतला मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, मतलब जब ये इसमें आप लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो आप लोग को कौन सा भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हो गाइस, सर सभी भाषा अवेलेबल लिस्ट यहाँ पर चेक देखने को मिलेगा। तो चलो गाइस मैं इंग्लिश भाषा में देना चाहता हूँ, इंग्लिश है 0.2 अंदर में आता है कोड नंबर। तो उसके बाद दोबारा से फिर से आपको कन्फर्म कर लेना गाइस, मैंने कंफर्म कर लिया गैस। उसके बाद गैस यहाँ पर इस तरह का आप लोग को यहाँ पर आप लोग को देख सकते हो आर बेंचमार्क वर्ग आ रहा है, तो गैस आप लोग को सिंपली से आप लोग को नो कर लेना गैस। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर देना गैस, यहाँ पर डू यू हैव फिजिकल लिमिटेड, अगर है तो यस कर देना, आप लोग को डायरेक्ट नो कर लेना गैस।
उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको देख सकते हो, गाइस यहाँ पर आपको कोड वगैरह कोड नेम वगैरह यहाँ पर आपको सारी लिस्ट आ जाएगा। कोड आप लोग को कोड है आप लोग को सिलेक्ट कर लेना गाइस। कोड मतलब यहाँ पर आप लोग को पोस्ट वाइज आप लोग को कोड देने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैं एक्चुअली असम में बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर आप लोग को MTS पोस्ट देख सकते हैं। MTS पोस्ट यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना, ये कोड आप लोग को ये याद रख लेना गाइस। ये कोड है जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। मैं एक्चुअली असम में बिलोंग करता हूँ आप लोग को पता है दोस्तों, तो इसलिए मैं असम वैकेंसी में देख लेता हूँ पहले। तो असम में देख सकते हो यहाँ पर MTS, अगर असम में आपका कौन सा स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, असम में MTS पोस्ट के लिए आप लोग को 37 कोड अंदर में आता है। उसका साथ साथ आप लोग को हवलदार पोस्ट के बात करो, असम का हवलदार के बात करें तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ गाइस कैसे फिलअप करना है। यहाँ पर आप लोग को सब कुछ आप लोग को देने को मिलेगा। हम असम का हवलदार है, जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ गाइस। हाँ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 70 है आप लोग को हवलदार डायरेक्टर CBN अंदर में आता है, 71 है हवलदार डायरेक्टर और DGPN आप लोग को आता है। जैसे कि कैसे करना है गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर मैंने डाल दिया गाइस MTS 71 मैंने डाल दिया गाइस, असम का तो 71 है ना गाइस। मैंने फिर से मैं चेक कर लेता हूँ पूरा, यार मुझे नहीं आ रहा है। तो गाइस इस तरह से आप लोग को चेक कर लेना गाइस वन बाय वन करके। ये भी डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग को इसमें आप लोग को बहुत सारा डालना होता है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो 35 है हवलदार गुवाहाटी का है, तो पहले मैं हवलदार का मैं 31 में डाल लेता हूँ गाइस। ये हवलदार का है, सॉरी 35 है। तो गाइस इस तरह का कोड मैंने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया गाइस 71 मैंने डाल दिया, उसके बाद 72 मैंने डाल दिया। इस तरफ सब लोगों को कोड नंबर जहाँ पे आप लेना चाहते तो गाइस यहाँ पर आप लोग को वन बाय वन करके आप डाल सकते हो गाइस। उसके बाद यहाँ पर 72 की बात करो अदर MTS के लिए, तो यहाँ पर 70 कितना है 72 मैंने डाल दिया, 71 72 मैंने डाल दिया गाइस। तो इस तरह से आप लोग को डालने के बाद अगर पूरा सभी फिलिंग करना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर आप लोग को सिंपली आप लोग को एक्स फिलिप कर लेना गाइस। जैसे कि मैं एक्स जैसे फिलअप करोगे तो गाइस यहाँ पर आप लोग को ऑटोमेटिकली आप लोग को सारे आप लोग को फिलअप आ जाएगा। तो आप लोग को सिंपली से पूरा हो चुका है, सेट हो चुका है, मतलब उसका मतलब है पूरा सेट हो चुका है। मतलब आप लोग को सभी वन बाय वन करके देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो आप लोग को सभी मुझे देना नहीं चाहता। उसके बाद मैंने डाल 35 एंड मैंने 2-3 सिलेक्ट करते, उसके बाद एक्स डाल देना, एक्स डालते ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस, ओके आ जाएगा। ओके बटन पर क्लिक करना गाइस, जैसे ओके बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है आप लोग को, पता है फोटो आप लोग को आजकल में तो आप लोग को न्यू वेबसाइट में आप लोग को लाइव फोटो ही आप लोग को लेना होता है आप लोग को, पता है लाइव फोटो आप लोग को कैप्चर कर लेना, अदरवाइज यहाँ पर स्कैन करके भी आप ले सकते हो। सिग्नेचर की बात करते सिग्नेचर है 22/10/20 के भी अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइस अपलोड सिग्नेचर बटन पर सिंपली से क्लिक करके अपलोड कर लेना गाइस। तो चलो गाइस मेरा सिग्नेचर फटक से मैं अपलोड कर लेता हूँ फोटो भी। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो लाइव फोटो एंड मैंने सिग्नेचर फाइनली मैंने डाल दिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह का आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा, थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आप लोग को थोड़ा वेट कर लेना। बिल्कुल भी आप लोग को बैक स्पेस वगैरह आप लोग को कुछ भी नहीं करना चाहे, तो उसके बाद अभी प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा फाइनल सबमिशन करने से पहले गाइस। तो गाइस जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने के बाद गाइस इस तरह का आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रीव्यू ऑप्शन है फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देख लेना। तो चलो गाइस मैं अच्छा से फटाक से देख लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से देख लिया पूरा से। अगर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो गो बिग बटन पर क्लिक करके जो भी कर लेते हैं एडिट कर सकता है, अदरवाइज सिंपली से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे इस तरह का डिक्लेरेशन आ जाएगा तो आप लोग को आई एग्री बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। उसके बाद ये कैप्चा है इस पर आपको डाल देना गाइस, तो कैप्चा डाल लेता। सो गाइस मैंने कैप्चा भी भर लिया, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते गाइस देख सकते हो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली कंटेंट वेरी, यहाँ पर सिंपली से प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके देख सकते हो प्रिंटर फॉर्म आ चुका है। तो प्रिंटर फॉर्म ये प्रिंटर फॉर्म है, आप लेना चाहते हैं तो गाइस ले सकते हो गाइस, आपका मर्जी है। फिर भी मैं आप लोग को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके मैं आप लोग को लाइव प्रूफ करके सर मैं आप लोग को दिखाता हूं गाइस कैसे प्रिंट आउट भी लेना है। तो गाइस अप्लाई तो कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुका है, अभी प्रिंट आउट बाकी, थोड़ा लोडिंग ले तो थोड़ा वेट कर लेते गाइस। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जल्दी से लाइक उनको प्रेस कर देना। और जब एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा मैं आप लोग को इस चैनल पर मैं आप लोग को सारी प्रोसेस में आप लोग को बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है, तो इसीलिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो प्रिंट फॉर्म लेने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट बटन पर सिंपली से क्लिक करके आप प्रिंट ले लेना गाइस। तो चलो गाइस मैं लाइव प्रूफ करके सर मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, ताकि आप लोग को भी जो लोग नहीं पता है कैसे आप लोग को लेना है प्रिंट फॉर्म भी मैं आप लोग को लेके दिखाता हूँ गाइस। देख सकते हो फाइनली मैं ओपन करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ मेरा प्रिंट फॉर्म है। तो गाइस देख सकते हो फाइनली प्रिंट फॉर्म में आ चुका है। तो गाइस अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस।